फ्रेंड्स, मैं राधिका, R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी के पकोड़े। सूजी के पकोड़े बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं सूजी के पकौड़े। सूजी के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप रवा या सूजी। सूजी आप कोई से भी यूज कर सकते हैं, बारीक या मोटी। आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा दही, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। सबसे पहले हम एक बाउल में रवा डाल लेंगे और उसमें हम ये दही डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, नमक और बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से हमारे पकौड़े थोड़े क्रिस्पी बनेंगे। इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिए, हमें एक अच्छा सा बैटर तैयार करना है। देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर हमें तैयार करना है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जिससे कि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। इतना बैटर सानने के लिए हमें 1/2 कप पानी लगा है। देखिए, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे पकौड़े बनाने के लिए बैटर रेडी है या नहीं। ये देखिए, ये अच्छे से फूल गया है। अब हम पकोड़े बनाएंगे। यदि आपको लगे बैटर गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में तेल डाल के गर्म कर लीजिए, मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। जब ये तल के फ्राई होकर ऊपर आ जाएगा मीन्स हमारा तेल गर्म हो गया है। देखिए, फ्राई होकर ऊपर आ गया है मीन्स हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम पकोड़े बनाएंगे। मैं चम्मच से पकोड़े बना रही हूँ, आप अपने हाथों से भी पकोड़े बना सकते हैं। और इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक दोनों साइड से हमें फ्राई करना है। पहले हमें पकोड़े हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, उसके बाद फिर लो मीडियम पे फ्राई करना है। देखिए, हमें इसे चलाते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं पकोड़े दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे पकोड़े बना लेंगे। आप चाहें तो इसके पकोड़े के बैटर में आप मेथी भी डाल सकते हैं, पालक भी डाल सकते हैं, जो आपको वेजिटेबल पसंद हो वो डाल के इसके पकोड़े बना सकते हैं, जिससे हमारे पकोड़ा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। देखिए, सारे पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। देखिए कितने अच्छे सूजी के पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और क्रिस्पी भी हैं। तो आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए। और यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स जो वॉचिंग माई वीडियो।